स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा है CS310 में PHP एंड MySQL में इंट्रोडक्शन। यहाँ हम जो फीचर्स देखते हैं उसमें आपको क्लाइंट सर्वर और डेटाबेसेस दिखाई देते हैं। क्लाइंट मीन्स आप जिस ब्राउजर पे काम कर रहे हो, जिस साइट पर आप एक्सेस कर रहे हो। सर्वर आपकी रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करता है कि आपने कौन सी साइट खोली है। आप जब भी कोई भी URL लिखते हैं और एंटर करते हैं तो रिक्वेस्ट आती है सर्वर के पास। इसके बीच में काफ़ी मीडियाज हैं जिसमें राउटर्स भी हैं, टेलीफोन लाइन्स भी हैं एक्सेट्रा, जो भी इसमें आपने पढ़ाया था। सर्वर डेटाबेस से कनेक्टेड है, डेटाबेस से जो इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूट करके आपको मिल रही है वो सर्वर उसको डेटाबेस ड्राइवर्स का यूज करके उसको एग्जीक्यूट कर। क्लाइंट पे जो प्रोग्राम चलेगा और क्लाइंट पे प्रोग्राम चलेगा तो वेबसाइट, मोस्टली हम क्लाइंट की बात करें, वेबसाइट एक्सेस करेगा। और वेबसाइट एक्सेस करने का मतलब है किसी वेबसाइट के होम पेज को या मेन पेज को खोलना, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो किसी कंपनी की साइट हो, चाहे कोई इंस्टीट्यूशन की साइट हो, या कोई रिजल्ट हम देख रहे हैं या कुछ हम अपलोड कर रहे हैं, तो उसका पेज यहाँ पे ओपन होता है। और जब आप उस पेज को ओपन करते हैं तो रिक्वेस्ट आती है सर्वर के पास। इस रिलेटेड सर्वर आपको वो एग्जीक्यूशन करके रिस्पॉन्ड देता है और वो रिस्पॉन्ड आपके क्लाइंट पे ब्राउजर पे, ब्राउजर मीन्स जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है या क्रोम है या मोजिला है, उस पर आपको। अब ये तो एग्जीक्यूशन है क्लाइंट के और सर्वर के बीच, इसमें कौन सी भाषा या लैंग्वेज काम आती है उस पर हम बात करें। जब दो एंटिटीज एक दूसरे से कम्युनिकेशन करती है तो एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। अगर इंसान व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति है वो बात करेगा तो किसी न किसी लैंग्वेज में बात करेगा, तो वो क्लाइंट को भी समझ में आनी चाहिए और सर्वर को रिक्वेस्ट समझ में आनी चाहिए कि उसको क्या रिक्वेस्ट किया गया है, उसको क्या रिस्पॉन्ड करना है, और क्लाइंट उसको देख के उसका रिजल्ट आपको समझ में आ गया। वो डेटाबेस भी है। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है, डायग्राम है कि क्लाइंट और सर्वर कैसे यूज करते हैं। यहाँ इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो अलग अलग लैंग्वेज जिसको कहा है वो HTML भी हो सकती है, HTML भी CSS है, उसके अंदर आप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस का भी यूज ले सकते हैं। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस वो पार्ट है लैंग्वेज का जो सर्वर पे या क्लाइंट पे दोनों पे ही एग्जीक्यूट हो सकते हैं। कुछ ऐसी स्क्रिप्टिंग कोड्स हैं जो क्लाइंट पे होंगी और कुछ ऐसे एक्सपेक्टिव कोड्स हैं जो सर्वर पे होंगे। अगर डेटाबेस से कोई इंफॉर्मेशन लेनी है या उसमें स्टोर करनी है तो वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग कहलाती है, और क्लाइंट पे अगर कोई एग्जीक्यूट होता है तो वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहलाती है, जो आपको हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा लिया है। ठीक है, अब बात आती है कि इस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, इसमें कौन सी लैंग्वेज का यूज किया गया। तो अपना जो टॉपिक है वो PHP एंड MySQL है। PHP है वो कोड है, प्रोग्रामिंग स्क्रिप्ट है, उसके कोड्स है, और MySQL है वो डेटाबेस को कनेक्ट करने के, डेटाबेस और MySQL और PHP के थ्रू उसको हम कनेक्ट करके जो भी इंफॉर्मेशन हमें रिट्रीव करनी है या स्टोर करनी है या डिलीट करनी है या अपडेट करनी है। अब आता है सिंपली PHP क्या है। जैसे आपने सी पढ़ा, विजुअल बेसिक पढ़ा और दूसरी लैंग्वेजेस भी पढ़ी है आपने, जावा स्क्रिप्ट भी पढ़ा है, जावा लैंग्वेज भी है, जावा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है। तो उसका छोटा पार्ट आप यूज लेते हो जो सर्वर साइड और क्लाइंट साइड में स्क्रिप्टिंग है, पूरा इंडिपेंडेंट आप यूज लेते हो उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह सकते हैं। तो यहाँ PHP की बात करें तो PHP क्या है। PHP की फुल फॉर्म है प्री हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। हाइपर टेक्स्ट आपका HTML में बता दिया गया था, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दूसरा है इट इज ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ओपन सोर्स मीन्स ये फ्री में मिलती है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, यूज कर सकते हो। सेकेंड है थर्ड आपका उसको वाइडली यूज, ये हर जगह यूज आती है, इसका उपयोग हर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर ये, या किसी भी मशीन पर ये, चाहे वो इंटेल का प्रोसेसर हो, चाहे वो मोटोरोला का हो, चाहे जो मार्केट में अवेलेबल है, वहाँ सब ये एग्जीक्यूट हो सकती है। इट स्क्रिप्ट्स
आर एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर, जो सर्वर पे एग्जीक्यूट हो सकती है इसकी स्क्रिप्ट, क्लाइंट में भी हो सकती है, यहाँ लिखा गया है सर्वर पे यूज करना है, यूज देना है, और पीएचपी फ्री फॉर फ्री टू डाउनलोड है। पीएचपी में अब हम आगे करेंगे कि पीएचपी को यूज कैसे किया जाए। तो पीएचपी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आपने जो भी माइंड में प्रोग्रामिंग आपके आई है कि मुझे क्या करना है, वो आपके पूरा का पूरा एक सिंपली आपके दिमाग में आना चाहिए कि पीएचपी में हमें क्या यूज करना है, क्लाइंट को सर्वर से क्या लाना है। अब यहाँ सिंपल सा है कि पीएचपी की जो फाइल है वो किस फॉर्मेट में होती है, उसमें एचटीएमएल प्लस अदर सीएसएस अदर कोड्स यूज करते हैं, और साथ ही इसमें सेव करते हैं, स्टोर करते हैं, वो आपके सर्वर पर स्टोर होती है, उसकी उसका एक्सटेंशन होता है डॉट पीएचपी। क्या होता है डॉट पीएचपी? डॉट पीएचपी से आप सेव करेंगे, मान लीजिए आपने होम डॉट पीएचपी किया है और इसके आपने कोड लिखा है, तो सिंपल सा कोड है कि आप एचटीएमएल का कोड लेंगे, एचटीएमएल का टैग एंड HTML का क्लोज ओपन टैग एंड क्लोज टैग के बीच में प्रोग्रामिंग होगी, और उसके बाद में जो बॉडी और भी आपका टाइटल है, हेड है, वो आपने पढ़ा है, उसके बाद हम बॉडी टैग से इसको HTML पेज को और इसके बाकी एट्रीब्यूट्स हैं जैसे बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड इमेज है, फॉन्ट कलर है, ठीक है, ये आप ले सकते हैं एंड बॉडी टैग क्लोज होगा। इसके बीच में आप जो भी प्रोग्रामिंग लिखेंगे, स्क्रिप्टिंग लिखेंगे, चाहे एचटीएमएल के कोड्स हो, चाहे आपके स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जिसको यहाँ पीएचपी की बात कर रहे हैं, तो पीएचपी की, तो पीएचपी को सिंपली आपको प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करना है तो आपको लिखना पड़ेगा एंगल ब्रैकेट ओपन एंड क्वेश्चन मार्क एंड क्वेश्चन मार्क एंगल ब्रैकेट। इसके दोनों टैग्स के बीच में जो आप HTML के कोड्स यूज करेंगे वो कोड सर्वर पे एग्जीक्यूट होंगे, और बाकी जो HTML के कोड हैं वो प्लस एग्जीक्यूट जो PHP का कोड हुआ है वो इन द फॉर्म ऑफ प्लेन। ये सर्वर से रिटर्न होता है क्लाइंट ब्राउज़र पे और आपको रिजल्ट शो करता है। तो यहाँ तक की जो क्लास है उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको दूंगा और वो आपको एक्सरसाइज करनी है, और अगली क्लास में फिर आप